जय हिंद। आज सुबह करीब 3 बजे भारत ने पाकिस्तान की सरजमी में घुसकर उसी के घर में उसको मात दे दी। भारत की गई एयर स्ट्राइक का पूरा प्रोसेस हम पूरे 5 अलग-अलग स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली प्रोसेस होती है दैट इज लोकेशन। तो लोकेशन के अंदर हमें एक्यूरेट लोकेशन का पता लगाना होता है, आखिरकार कौन सी जगह जो तमाम आतंकवादी हैं उनके अलग अलग ठिकाने हैं। अब लोकेशन हमारी डिग्रीज, मिनट्स एंड देन सेकेंड्स में, या फिर मैं बात करूँ हमारी जियोग्राफिकल अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइडेड होती है। इसके बाद जब हमें लोकेशन पता चल जाती है, हमारा दूसरा काम होता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में होता है हमारा जितने भी हमारे फाइटर, जितने भी हमारे लड़ाकू विमान होते हैं वो पहुंचते हैं उस जगह पर जहां से उन्हें स्ट्राइक करनी है। तीसरी होती है इसमें अहम प्रोसेस जो है प्रिसाइजन, और ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? अगर प्रिसाइज नहीं हुआ टारगेट तो वो किसी और जगह जा सकता है। तो प्रिसाइजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ एक स्टेज होती है। प्रिसाइजन के बाद यहाँ पर हमारी एक और अहम मुद्दा आता है जिसे हम कहते हैं टारगेट को लॉक करना। टारगेट को लॉक करने का मतलब होता है प्रिसाइज हो चुकी है, एक फाइटर विमान अभी वहाँ पर रुका हुआ है, बार बार वहाँ से तैयारी कर रहा है कि अब हमारा टारगेट लॉक है। क्योंकि देखिए, कभी भी सिर्फ एक बार में, पलक झपकते ही एक बार में हम नहीं फेंक सकते गोला, इसके लिए हमें 2 या 3 बार ट्राई करना होता है, देखना होता है कि वाकई में जो टारगेट हमने लॉक किया है वो बिल्कुल प्रिसाइज है या नहीं। जैसे ही टारगेट लॉक होता है देन उसके बाद हमारी 5वीं स्टेज यानी कि बूम, यानी कि हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हमारे बॉम्ब की प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो फॉलोअप होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि आप जानते हैं उसे हम फ्री फॉल नहीं कर सकते विद इन द ग्रेविटी, क्योंकि उसके बाद उनके पास टाइम बचेगा, उतने सेकेंड्स का टाइम बचेगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए जिस स्पीड से हमारा लड़ाकू विमान चल रहा होता है उसी स्पीड से हम एक्यूरेसी या फिर कैलकुलेट करते हैं कि हमें किस वेलोसिटी से जो बॉम्ब है वो गिराना है। तो इस पूरी 5 स्टेप्स की प्रोसेस के कारण हम नेस्तनाबूद कर पाते हैं तमाम आतंकवादी ठिकानों को। सो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।